हूँ शेफ समिया जमील, सीबो की फाउंडर और एडमिन, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे सीबो के प्लेटफॉर्म के साथ। मेरे पास डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स इस वुमेंस डे पे हैं, और जो अपना डिफरेंट जो स्टोरीज हैं, किस तरह आए, किस तरीके से इस एक्टिविटी को उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरह अपनी ज़िंदगी में कोलैबोरेट किया अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ, और डिफरेंट क्राइटेरिया को आगे आज आप लोगों के सामने के प्रमोट कर रही हैं। घर बैठ के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे कवल हसीब। अस्सलाम वालेकुम कवल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। कुछ बताएं कि ये स्क्रबल्स एंड ड्रिबल क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया एंड अप्रिशिएट किया हमारे काम को इतना। थैंक यू। स्क्रबल्स एंड ड्रिबल्स एज द नेम सेज के स्क्रिबल करना और पेंट ड्रिबल करना है। ठीक है। बेसिकली मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जो हूँ वो इस तरीके का कोई काम करूंगी। मैंने तो एक छोटी सी नर्सरी जो है अपने बेटे के लिए सेटअप की थी एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, घर के अंदर? घर के अंदर जो है एक छोटे से कमरे में मैंने सेटअप किया था, बिकॉज मेरा बेटा, आपको पता है आजकल इतना प्रॉब्लम है बच्चों का कि वो जो है वो गैजेट्स में और फ़ोन में और इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ क्रिएटिविटी, कोई माइंड स्टिमुलेटिंग चीज़ें नहीं कर रहे। हर पेरेंट को, हर माँ को ये कंप्लेन है कि भाई हमारा बच्चा जब भी है वो फ़ोन पर ही बैठा हुआ है, वीडियोज़ ही देख रहा है, जिसकी वजह से आँखें भी ख़राब हो रही हैं, ऑटिज़म इतना ज़्यादा हो गया है बच्चों के अंदर, और इतना गुस्सा, ज़िद्द, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिवेलप हो रही है बच्चों के अंदर, जस्ट बिकॉज कि वो हर वक्त फोन और गैजेट्स, आईपैड्स, टीवी, इसी को लेकर बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे बच्चा जो है वो भी इसी तरीके से होता जा रहा था। मैं अच्छा। फिर मैंने वो किया कि नहीं, इसको किसी क्रिएटिव चीज़ में लगाना है। मैंने उसके लिए नर्सरी सेटअप की, डिफरेंट चीज़ें, कलरफुल कलर्स, पेंसिल्स, घर के अंदर एक छोटा कमरा है मेरे पास, उसी को मैंने सेटअप कर दिया। वो वहीं पर खेलता है, जितना गंद मचाना है, जो दीवारें भी ख़राब करनी है, जो करना है वो करे, ताकि जो है वो कोई बात नहीं, खराब हो रहा है लेकिन बच्चा अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरी खुद की बेटी बहुत छोटी है तो मुझे पता है कि बच्चे बोलते नहीं है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ और चिल्ला के निकालते हैं। आर्ट जो है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन आर्ट जो है वो इंसान के अंदर से निकलता है। बिल्कुल। और बच्चे जो है वो कलरफुल चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। फिर इस तरह से करते करते जो है वो मेरे हस्बैंड और फ्रेंड्स और इन लॉज और सिबलिंग्स और सब ने मुझे बहुत प्रोवोक किया कि तुम जब एक बच्चे को इतना वो कर रही हो तो तुम दूसरों को भी क्लासेस दे दो, मतलब दूसरों के बच्चों को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बेसिकली स्क्रिबल्स एंड ड्रिबल्स इट्स नॉट जस्ट एक्टिविटी, इट इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं, डोनेशन ड्राइव्स भी होती हैं हमारे उसमें, और अब ये जो है वो एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और मैं प्ले डेट्स और बर्थडे इवेंट्स इवेंट प्लानर्स के साथ भी कर रही हूँ, और इसके अलावा जो है मैं अपने इवेंट्स भी होते हैं। अभी मेरी यूनिकॉर्न प्ले डेट भी हुई थी और वो भी बच्चों ने बहुत पसंद की थी। इसी तरह एक्टिविटी बेस्ड ही होती है सारी चीज़ें। तो ये जो हम लोग ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और तो जब आपने अपने ये सोचा नहीं था कि ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा काम है, कलरिंग, बच्चों को हम कलरिंग दे रहे हैं, ग्लिटर्स दे दिए, ये कर दिया, इसको ऐसा प्रोफेशन बनाना, तो फिर आपको ये बेसिकली मुझे मेरे हस्बैंड और सिबलिंग्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए वो होगा, फ़ायदेमंद होगा अगर तुम इसको करोगी, बिकॉज प्रोफेशनली लेके चलो। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल, बिकॉज और जब मैं जब क्लासेस देना स्टार्ट करी तो हमारे एरिया की तरफ, जैसे PCHS की तरफ, इतने ऑप्शंस नहीं थे। थी? मतलब देर वॉज नो बडी जो इस तरह की क्लासेस दे रहा था। तो पहले तो मैं खुद तो बहुत ज़्यादा मैं वो थी कि नहीं, पता नहीं किस तरीके का रिस्पॉन्स, लोग कैसे रिस्पॉन्स, उनको समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा, जो कि लोग थोड़े से कंफ्यूज थे स्टार्ट में, उनको नहीं समझ आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं कह रही हूँ वन एंड हाफ ईयर में मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी जाके जो है लोग अब कॉन्टैक्ट करते हैं, इवेंट प्लानर्स कॉन्टैक्ट करें बर्थडेज में, प्ले डेट्स में, स्कूल्स कॉन्टैक्ट कर रही हैं कि नहीं आप हमारे साथ जो है वो इस तरह एक्टिविटीज़, क्योंकि बेसिकली ये एक्टिविटी तो स्कूल्स में ही देखी जाती हैं, यहाँ पे नॉर्मली प्ले डेट्स में या डिफरेंट फोरम्स के ऊपर या घर के अंदर हम नहीं देखते। बहुत बार होता है बच्चों के लिए पेंटिंग बुक्स ले आते हैं, कलर बुक्स ले आते हैं, क्रियॉन्स ले आते हैं, या ब्लैक व्हाइट बोर्ड होता है उस पर बच्चे कर रहे होते हैं, मतलब इस किस्म की। और आजकल तो बीट्स का वर्क आ गया, बच्चियाँ बीट्स, लड़के क्या करें, उनका भी है। तो ये तो सिर्फ हमने स्कूल्स में ही देखा था कि बच्चों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उनका विजन क्लियर करने के लिए, उनको कलर कॉन्सेप्ट देने के लिए,
एक्टिविटी में. इनफैक्ट बेसिकली वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी अपनी अम्मी की वजह से एजुकेशन फील्ड में, तो वो मुझे बताती हूँ, मेरा भी क्योंकि मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चों को बेसिकली जो एक्टिविटी कराई जाती है उनको काम डाउन करने के लिए की जाती है. उनके अंदर का जो एक एकदम से सुपर, क्योंकि वो लोग सुपर हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उसको काम करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और स्टेबल बनाने के लिए ये एक्टिविटी देते हैं, ताकि उनके माइंड डाइवर्ट हो और वो अपने कलर से और अपनी चीज़ों के साथ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें. उनके अंदर जब फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है तो वो बहुत काम हो जाते हैं. तो ये एज इट इज़ आपके बेटा, क्योंकि वो इस तरह था, ही इज़ वेरी हाइपर, तो उसको किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आपको हमेशा इंगेज रखना पड़ता है. और फिर हम ये भी देखते हैं कि आजकल बोथ मदर फादर बोथ वर्किंग होते हैं, इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो कर सकें, तो वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ ढूंढ रहे होते हैं. उसके बाद फ़र्क पड़ा बच्चों में? फ़र्क पड़ता है बच्चे में, फ़र्क पड़ता है. बट कुछ जैसे अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम का वो है, जैसे ऑटिज्म हो गया, या वंस मेरे पास बच्चे आए थे जिनको कॉकलियर इम्प्लांट हुआ हुआ था, जो कि नहीं सुन सकते थे, बोल सकते थे, उनके साथ लॉन्ग टर्म आपके साथ आपको काम करना पड़ता है. बट दोस्त जो कि यू नो थोड़े से हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, विद टाइम जो है उनके अंदर थोड़ा सा उनको आदत हो जाती है फिर इस तरीके से. जैसे बुक रीडिंग की आदत हो जाती है बच्चों को, फिर वो हर जगह आपको बुक के साथ नज़र आएंगे, इस तरह आर्ट की भी आदत हो जाती है. ये जो आप घर में करती हैं, या मैं एक नॉट जनरल सवाल करूँगी, क्या लगता है कौन सी बेस्ट एज है जिसमें ये क्रिएटिविटी उनके लिए बड़े यूजफुल है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए? आई थिंक 4 to 8-9 ईयर्स की एज जो है वो बेस्ट है. बल्कि इससे छोटे बच्चे भी, उनको भी हम कलर पेंसिल्स पेंट ब्रशेस देते हैं, सेंसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, 1.5 के बाद ही शुरू हो जाती हैं सेंसरी एक्टिविटीज़ इस तरह की. तो ये तो मुझे लगता है तो बड़े अच्छी, अगर आप इसको एजुकेट करें, इसके डिफरेंट एक्सरसाइजेस बुक्स होती हैं, अगर आप उसको रीड करें, बड़े बड़े बुक स्टोर्स पे मैंने देखी हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं, तो अगर उसको देखें तो मेरे ख्याल से जो लड़कियां घर पे बैठ के जो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं, तो वो इस किस्म की एक, मेरे ख्याल से एक तो अपनी क्रिएटिविटी, एक अर्निंग पार्ट भी हो गया, और दूसरा एक वो जनरेशन को बिल्ड करना जो आगे का हमारा मुल्क का हिस्सा बनेगी. एंड देन किसी को भी, अगर एक बच्चे को भी फ़ायदा हो जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती. मतलब अर्निंग पर्पस है, इसका इंसेंटिव है कि हाँ ठीक है हमें अर्न करना है, बट द मेन मोटिव इज़ कि भाई बच्चे में प्रोडक्टिविटी आए. आजकल बच्चे बस यही आईपैड्स की वजह से जो है ना हमारा बहुत. और इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, कलर्स या स्पिन आर्ट एक्टिविटी है बेसिकली. इस पेंटिंग व्हील है जिसके ऊपर हम पेंट जो है वो ड्रिबल करते हैं और ये डिज़ाइन बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं. वाओ, सर्कुलर पैटर्न्स बनते हैं मंडाला की तरह. इसको हम लोग कलर पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, मार्कर्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पेंट्स के साथ करती हूँ बिकॉज बच्चों को पेंट्स के साथ ईजी होता है. पेंट्स तो बड़े मैसी हो जाते हैं, वो मैस करने में बच्चों को तो बस कैसे करके दिखाएंगी जी. वाओ, ये इस तरह से पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं और बच्चे तो एक्साइटेड हैं. कलर्स जो है वो हम डालना चाहें हम डाल सकते हैं इसके अंदर, और फिर ग्लिटर वगैरह जो है वो हम इसके अंदर पोर कर सकते हैं. और बच्चों को तो लगेगा क्या जबरदस्त पेंट किया, वो तो पूरे बच्चे तो छोड़ते ही नहीं इस एक्टिविटी को, वो जितनी भी दफ़ा कर लें वो थकते ही नहीं, क्योंकि हर दफ़ा इट्स गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट पैटर्न. सो इट्स वेरी वेरी कलरफुल एंड वेरी डिफरेंट. और मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छी तरह याद है, शायद आपने भी मेरे हमने किया था, जमील ने किया, जमील ने एक्टिविटी की है. और एक और चीज़ भी ये है, ये वो मैं दिखाऊं, कह रहे हैं कि आप जो है ना वो दिखाएं लोग तरीके से जो है वो है इस तरह डिफरेंट कलर्स के साथ और ग्लिटर के साथ ये बनता है पैटर्न सर्कुलर, और ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है. ये ग्लिटर डालें कितना, फिर बच्चे इसको घर लेकर जाते हैं, लोग फ्रेम कराते हैं, अपना नाम लिखते हैं. मैंने खुद देखा है, मैं वही भी डिस्कस कर रही थी, हम लोग ऑफ द कैमरा ये डिस्कस करते हैं कि जब जिमल ने किया था, उसकी कोई भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो ड्राइव होने के बाद मैं क्या करती हूँ अपने, मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो जो भी एक्टिविटी होती है उस दिन का टाइम डेट सब कुछ लिखती हूँ, एज क्या टाइम था, क्या एज थी, किस तरह. जब वो बड़े हों तो ये मेमोरीज़ हैं कि हम लोगों ने इस टाइम पर ये सब कुछ किया था. अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि ये टाइम टेकिंग है या बस जल्दी से हो जाता है बच्चों में? और ये हो तो जल्दी से जाता है, लेकिन रिपीटेडली बच्चे फिर करते रहते हैं उसको और इंगेज रहते हैं, और फिर आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं. ये भी बहुत ज़रूरी है सोशलाइज करना, बिकॉज वही बात है, फ़ोन ने सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अपने साथ ही रख के बस फ़ोन देखते रहते हैं, आपस में बात नहीं करते. घर में भी यही शिकायत है कि चार लोग रह रहे हैं लेकिन वो आपस फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं, कोई आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही है,
खाने के टेबल पे भी पहले हम लोग जब छोटे होते थे हमारे पास इस तरह के गैजेट्स नहीं होते थे, तो हमारे पास आपस में बात करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे याद है कि मेरा भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है पेंट्स है इन सब चीज़ों, तभी मैं बेकर बनी इसी वजह से कि मुझे कलर्स बहुत पसंद थे। तो जब भी मैं कोई चीज़ बनाती थी, चाहे वो कोई भी आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ होती थी, तो जब अगर कोई अम्मी ऐसे अम्मी को सबसे पहले जाकर दिखाते ना, अम्मी देखिए मैंने ये बनाया है, तो उसके बाद मैं वाह ज़बरदस्त समिया तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। उसके बाद जो भी हमारे घर आता था हम जा कर देखें ये मैंने बनाया है, देखें ये मैंने बनाया, और सब लोग शौक किया, कोई आपको इनाम दे रहा है, कभी उस वक्त 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये बहुत होते थे तो वो सब देते थे, तो हमें बहुत उससे क्या होता था कि हम मजीद इस आर्ट को मजीद आगे बढ़ाते थे, एप्रिसिएशन मिलते, तो बच्चे जो है ना फिर अगली दफ़ा और अच्छे अच्छे से चीज़ें करते थे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चों का, उनको एप्रिसिएशन मिलता है। ये कहने को सिर्फ कलर्स है लेकिन बेसिकली इट्स अ माइंड साइज गेम, आपके बच्चों की मेंटली एक्सरसाइजेज होती हैं। और थैंक यू कमल कि यहाँ पे आप आई और इतना ज़बरदस्त इस स्क्रबल एंड ट्रिपल जिसको आपने रिप्रेजेंट किया, और डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आप इनको अपने इवेंट प्ले डेट्स में भी इनवाइट कर सकते हैं, बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल्स के इवेंट्स होते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, आप इस तरह बच्चों के साथ करें, इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं उन पेरेंट्स को बोलूँगी कि जो पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते तो कम से कम, और उनको पता है कि मुझे कराना भी है, तो आप इनसे क्लासेस भी ले सकते हैं, आप इनसे सर्टेन चार्जेस हैं आप ले, और उनको बताएंगे पेरेंट्स ताकि पेरेंट्स अपने घर में भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ये तो बड़े भी बड़ा इंजॉय करें अगर बच्चों के साथ, क्योंकि बड़े अक्सर बोर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बड़े भी इंजॉय करते हैं, मतलब हमारे मेरे पास समर कैंप्स विंटर कैंप्स होते हैं तो लोग अपनी नानियों को भी लेकर आ रहे होते हैं कि आप हमारे साथ बैठें और स्टोरी वो करें, मतलब कुछ क्रिएटिव और कुछ प्रोडक्टिविटी चलती रहे, फैमिली बाउंडिंग। एग्जैक्टली, थैंक यू कमल, थैंक यू, आप यहाँ आई और इतनी मजे की चीज़ें आपने शेयर की। और इसी के साथ ही हम लोग नए वक्तन फवक्तन डेली बेसिस पे आप लोग मल्टीपल वीडियोस तो देख ही रहे, और मैं यही इस वक्त बोलूँगी अपने वुमेंस डे पे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको समझने की बात होती है किस काम को, छोटे से काम को भी किस तरीके से आप इतना बड़ा बना सकते हैं, और बड़े काम स्टेबल काम को किस तरह ख़राब कर सकते हैं, या आपके ऊपर होता है। तो मेरी एक ख्वाहिश है और मैं एक आप लोगों को एक आइडिया दूंगी, या मैं आप लोगों से मैसेज कन्वे करूंगी कि प्लीज़ अपने आप को पहले खंगालें, देखें कि आपके अंदर क्या एक ऐसी टैलेंट है जो आप अपने घर के अंदर महदूद माहौल के अंदर आप उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फिर कल को वो एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रखें, और उसमें नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे, नया कॉन्सेप्ट होगा, नई बातें होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी वुमेंस डे, अल्लाह हाफिज़।